हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स के ऊपर। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे देखा जाए तो जिस हिसाब से इनके रिजल्ट्स इस बार के हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, उस हिसाब से अगर हम लोग मार्केट के बिहेवियर की अगर हम लोग बातें करें तो उसके मुताबिक हम लोगों को ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रही। सो ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि शायद से यहाँ पर ये अपरोटर्स का खेल यहाँ पर हो सकता है एंड आप उसमें फंस सकते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे मैं आप लोगों को कहना क्या, समझाना क्या चाहता हूँ वो आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद ही यहाँ पे मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए, इस क्वार्टर का डाटा है, यहाँ पे सितंबर क्वार्टर एंड यहाँ पे लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर का डाटा देखने को मिलेगा। देन जितने भी फिगर्स होंगे वो सभी रुपीस इन मिलियंस में यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। सो अभी अगर हम लोग यहाँ पे टोटल इनकम की बातें करें तो आप देख सकते हैं कि 6283 है, लास्ट क्वार्टर 5200 है एंड लास्ट ईयर 3844 यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सो ईयरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो दोस्तों, तो यहाँ पे करीब करीब हम कह सकते हैं कि 2200 पॉइंट का जंप देखने को मिल रहा है। एंड क्वार्टरली बेसिस पे अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें दोस्तों, तो क्वार्टरली बेसिस पे 1000 का जंप, 1000 पॉइंट का यहाँ पे हम लोगों को जंप देखने को मिल रहा है। सो हम कह सकते हैं कि कंपनी के इस बार की जो रेवेन्यू है दोस्तों, वो काफ़ी शानदार धमाकेदार यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। देन वहीं पे अगर हम लोग एक्सपेंसेस की बातें करें तो आप देखिए 5619 है लास्ट क्वार्टर, 4713 है लास्ट ईयर, 3844 देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे हमारी कंपनी का इनकम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि एक्सपेंसेस भी यहाँ पे बढ़ेंगे। तो उसी का असर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का हमारा क्वार्टरली एंड ईयरली दोनों ही बेसिस पे अगर देखें तो एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं, जो कि नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। देन अगर अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम लोग बातें करें, जो कि इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो जो प्रॉफिट बचता है दोस्तों, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं होती है। सो इस प्रॉफिट को अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं कि 663 मिलियंस का ये इस बार फायदा है एंड लास्ट क्वार्टर 478 है, लास्ट ईयर माइनस में 40 मिलियंस के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो एक चीज़ यहाँ पे देखिए काफ़ी शानदार है कि कंपनी पिछले साल यहाँ पे हमारी माइनस में प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, देन यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि 663 मिलियंस का उसको फायदा हुआ है, जो कि बहुत बड़ी जंप हम लोगों को देखने को मिल रही है। वहीं क्वार्टरली बेसिस पे भी आप देख सकते हैं कि हमारी कंपनी का जो प्रॉफिट है इस बार का, उसमें भी हम लोगों को जंप देखने को मिल रही है। मतलब कंपनी यहाँ पे हम लोगों को अच्छा काम करते हुए देखने को मिल रही है। देन वहीं पर अगर हम लोग प्रॉफिट फॉर द पीरियड्स की अगर यहाँ पे बातें करें, मतलब सभी तरह के एक्सेप्शनल आइटम हटाने के बाद, ठीक है, देन यहाँ पे सभी तरह के टैक्स देखने के हटाने के बाद, तो जो प्रॉफिट अभी आप लोगों को सामने देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं कि 660 इस बार का है, लास्ट क्वार्टर 465 है, लास्ट ईयर 390 है। तो यहाँ से भी अगर हम लोग देखें तो हमारी कंपनी का ईयरली बेसिस पे 70% से ज़्यादा का जंप इसमें प्रॉफिट में देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड क्वार्टरली बेसिस पे भी हमारी कंपनी में अच्छा जंप यहां पे देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग इस रिजल्ट्स को यहां पे पकड़े तो हम कह सकते हैं कि इनका जो रिजल्ट्स है वो सुपर डुपर यहां पे रिजल्ट्स इस बार का देखने को यहां पे मिल रहा है। अगर आपको रिजल्ट्स समझ में नहीं आए तो आप ईपीएस से भी यहां पे चीजों को देख सकते हैं कि 0.52 इस बार, लास्ट क्वार्टर 0.39, लास्ट ईयर 0.47। सो आपको देखने को मिल रहा है कि इस बार का जो ईपीएस है लास्ट दोनों टाइम क्वार्टरली या फिर ईयरली दोनों ही बार से यहां पे ज्यादा जंप हम लोगों को देखने को मिल रही है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार इनका रिजल्ट्स यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है। एंड अच्छी बात यहाँ पे ये यह है कि कंपनी का इनकम भी बढ़ रहा है, देन यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो सो बहुत ही शानदार हम कह सकते हैं कि इनका रिजल्ट्स यहाँ पे है।
लेकिन दोस्तों मार्केट के रिस्पांस की बातें करें तो देखिए इस पोजीशन पे मार्केट का मतलब मार्केट यहाँ पे रिजल्ट्स इस कंपनी का मार्केट के सामने आया था, तो अब देखिए इसमें एक बड़ी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ओवरऑल अगर आप देखें तो ये कंपनी का जो प्राइस है वो 178 रुपये के आसपास देखने को मिल रही है, एंड 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि यहाँ पर आपने देखा कि रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें ऑपरेटर्स का खेल यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो आप लोग यहाँ पे कोई भी गलती से यहाँ पे बचिएगा जरूर, क्योंकि इनके रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे आए हैं, जिसके बेसिस पे अगर आप चाहें तो देवयानी इंटरनेशनल को आराम से आगे के लिए होल्ड करके चल सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। रिजल्ट्स के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये कंपनी हम लोगों को ग्रोइंग मोड में देखने को मिल रही है, जिसके बेसिस पे अगर आप चाहें तो आप इसमें कुछ क्वांटिटी खरीद करके यहाँ पे जरूर आगे बढ़ सकते हैं। क्यों कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे क्यों बोली, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के जो पिछले परफॉर्मेंस है उसमें कंपनी थोड़ा सा घाटे में देखने को मिल रही है, आप यहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हैं इस कंपनी को, ठीक है। तो उस लिए यहाँ पर आप चाहें तो धीरे धीरे करके क्वान्टिटी जैसे यहाँ पर क्वार्टरली क्वार्टरली इसको यहाँ पर आप लोग जज करते रहिएगा, जैसे जैसे रिजल्ट अच्छे आएंगे वैसे वैसे आप यहाँ पर इस कंपनी को बाई करते रहिएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदेंगे तो रिटर्न भी अच्छा बनेगा, देन यहां पे कंपनी के परफॉर्मेंस भी आपको यहां पे देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। सो देखा जाए तो इस कंपनी से रिलेटेड जितने भी अपडेट जितनी भी चीजें मुझे आपको बतानी थी वो सभी मैंने आपको बता दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।